नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के लाए गए एससी एसटी एक्ट को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था, जिसके चलते मोदी सरकार को नाराज समाज और सर्वण समाज के लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। साथ ही नाराज सर्वण समाज की ओर से मोदी सरकार को खुली चुनौती भी दी गई थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व वाला अखंड भारत मिशन एससी एसटी एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में सड़कों पर जमकर उतरा था, और जब सरकार ने इसकी मांगे को नहीं पूरा किया तो देवकीनंदन ठाकुर ने अखंड भारत नाम की पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एससी एसटी एक्ट से जुड़े 14 मामलों में से 13 मामले ऐसे सामने आए हैं जो एकदम झूठे साबित हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विशेष सत्र न्यायालय ने 9 दिन में एससी एसटी एक्ट के 14 मामलों में फैसला सुनाया, जिनमें से 13 मामले ऐसे निकले जो पूरी तरह झूठे साबित हुए। बता दें कि एससी एसटी एक्ट के जाल में ये 13 आरोपी लंबे समय से फंसे आ रहे थे और जिसके चलते इन्हें जेल का मुंह भी देखना पड़ा था, और अब इन आरोपियों पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमाम तरह के सबूत की जांच परख करके एससी एसटी एक्ट के जंजाल से दोष मुक्त कर दिया। दरअसल कोर्ट ने 14 मामलों पर फैसला सुनाया, जिनमें से 13 मामले तो फर्जी साबित हुए लेकिन एक मामला छेड़खानी और एससी एसटी एक्ट से जुड़ा हुआ निकला। कोर्ट ने आरोपी को छेड़खानी के मामले में तो 3 साल की सजा सुनाई, जबकि एससी एसटी एक्ट में उसे दोष मुक्त घोषित कर दिया। यानी कि यह भी साफ है कि कोर्ट ने जिस आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है वो सिर्फ छेड़खानी के आरोप में है, न कि एससी एसटी एक्ट के तहत। तो बात यह भी निकलकर सामने आती है कि कोर्ट के हिसाब से एससी एसटी एक्ट के 14 के 14 मामले एकदम फर्जी हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एससी एसटी एक्ट में संशोधन का लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के मामलों के सामने आने के बाद सरकार क्या फिर संशोधन पर विचार करेगी। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।